गुड डे एवरीवन। अब तक की वीडियो सीरीज में हम लोगों ने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 के बारे में देखा कि हमको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या राइट्स हमको देते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23। लेट्स बिगिन। आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब भी कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है या उसको डिटेंशन में लिया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है और क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है। आई एम रियली सॉरी। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे, तो पहले सेंटेंस में आप लोग देखिए कि लिखा हुआ है आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पर्संस। प्रोटेक्शन टू पर्संस, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोगों ने पर्संस वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इस पर्सन वर्ड से हमको ये पता चलता है कि ये जो आर्टिकल है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारे नागरिक है उन्हीं को अवेलेबल है, जो हमारे नागरिक नहीं है उनके लिए भी ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 22 अवेलेबल है। आगे देखिए कि आर्टिकल 22 हमको कौन कौन सी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास चार अधिकार है, चार राइट्स है, चार प्रोटेक्शंस अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 22। जिसमें से पहली है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सून एज मे बी। जैसे ही किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी आदमी को गिरफ्तार किया तो जितना जल्दी हो सके उस आदमी को बताना चाहिए कि भाई उसको किस ग्राउंड्स पे, किस कारण से उसको अरेस्ट किया गया। प्रोटेक्शन नंबर टू, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। मतलब जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी अपनी चॉइस के किसी भी लॉयर को हायर कर सकता है उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पे अगर उसके पास, अगर वो गरीब है, अगर उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिनकी मदद से वो किसी अच्छे वकील को हायर कर सके, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो उसको एक वकील फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए, उसको वो दे कि हाँ भाई ये तुमको डिफेंड करेगा इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि ये किसी भी गिरफ्तार हुए आदमी का फंडामेंटल राइट है कि उसके पास एक वकील होना ही चाहिए। अगला, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही किसी भी आदमी को किसी पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया तो उस आदमी को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि उसका अरेस्ट लीगल है, उसको छोड़ देना चाहिए या उसको और फर्दर पुलिस कस्टडी में रखा जाना चाहिए। इस 24 घंटे में जर्नी का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। मान लो जैसे अगर किसी आदमी ने मेरठ में किया क्राइम और बॉम्बे भाग गया, तो बॉम्बे में उसको पुलिस ने पकड़ा, बॉम्बे से मेरठ में लाने तक का टाइम इन 24 घंटे में इंक्लूडेड नहीं है। जब वो मेरठ पहुंच जाएगा तब उसके 24 घंटे शुरू होंगे। प्रोटेक्शन नंबर फोर, राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया तो उसको आजाद करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है अगर उसने कोई क्राइम किया, तो अगर उसने कोई चोरी की, मर्डर किया, खून किया, रेप किया, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, तो ये जो उसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी हमने अब तक बात की है उस केस में है जब आदमी क्राइम कर लेता है। देयर इज अनदर थिंग, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी शक की बिना पे अगर तुम किसी को अरेस्ट करते हो, शक की बिना पे, ये नहीं कि उसने कोई क्राइम किया, इस शक की बिना पे कि वो आने वाले नियर फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है, इसे इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्राइम को बचाने की कोशिश में, यानी कि कोई आदमी क्राइम कर पाए उसके पहले ही उसको अरेस्ट कर लो ताकि वो क्राइम कर ही ना पाए। तो जब ऐसे ऐसे केस में अगर किसी आदमी को डिटेंशन में लिया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। पहली लाइन देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेनिंग अ पर्सन ऑन द मियर एप्रीहेंशन दैट ही मे कमिट अ क्राइम। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि किसी आदमी को गिरफ्तार करना जब तुमको लगता है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, उसने किया नहीं है, वो कर सकता है, और इस शक की बिना पर उसको गिरफ्तार कर लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। The following protections are available to both citizens as well as aliens. और preventive detention के अंदर जो protection Constitution of India provide कराता है वो citizens और as well as foreigners, aliens का मतलब यहाँ पे basically foreigners से लिया जाएगा, तो citizens of India और foreigners को available है
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो भी प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको देता है. पहला, नो डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स अनलेस अप्रूव्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड. प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने तक का हो सकता है. 3 महीने के ऊपर अगर किसी आदमी को डिटेंशन में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी. द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर टू बी जजेस ऑफ हाई कोर्ट. और इस एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे. ऐसा नहीं कि उस एडवाइजरी बोर्ड में किसी को भी बिठा दिया. उस एडवाइजरी बोर्ड में इसेंशियली हाई कोर्ट के जजेस ही होने चाहिए और उनकी परमिशन के बाद ही किसी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज्यादा रखा जा सकता है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. हाउएवर यहाँ पे देखिए ये इफ अरेस्ट लिखा हुआ है लेकिन इसको आप ठीक कर लीजिएगा. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही होगा. हाउएवर इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सम इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड. अगेन जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे ऐसे यहां भी है कि जैसे ही उस आदमी को अरेस्ट किया जाए तो उसको कारण बताना चाहिए. उसके पास अधिकार है कारण जानने का कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है. लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में अगर मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमको लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उसको हम डिस्क्लोज ना करें तो सिस्टम कर सकता है कि उसको उस चीज की जानकारी ना दी जाए. जैसे कि हमने शक की बिना पे एक आदमी को उठा लिया, हमको लग रहा है कि ये आदमी बम फोड़ने वाला है कहीं, या हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि भाई किसी डिस्ट्रिक्ट में बम फूटने की आशंका है और हमने एक आदमी को उठा लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया, हमको लग रहा है कि यही वो आदमी, हमने उसे पूछताछ शुरू की. तो अभी हम वी आर नॉट वेरी श्योर कि यही आदमी है, क्या पता कोई और आदमी हो, क्या पता. तो इसलिए हम इस आदमी को ये ना बताएं कि भाई बम फूटने की दिक्कत आ रही है या हमको लग रहा है कि बम फूट सकता है. पता चला इसको हमने रिलीज किया, ये बाहर जाके सबको बता देगा एंड देयर विल बी अ पैनिक. तो अगर ऐसा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हम लोग इंफॉर्मेशन ना दें तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन वी कैन चूज नॉट टू डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन. तीसरा, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी रिप्रेजेंटेड बिफोर अथॉरिटीज. जितना जल्दी हो सके अथॉरिटीज के सामने अपने आपको रिप्रेजेंट करने का उसको अधिकार है, उसको ये रिप्रेजेंट करने का अधिकार है कि भाई मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरे को छूट दिया जाए, या ही कैन प्लीड टू बी रिलीज्ड. अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज की बात हो रही है, अथॉरिटीज है कौन इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में? दे आर ओनली टू अथॉरिटीज. द फर्स्ट इज एडवाइजरी बोर्ड एंड द सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एडवाइस बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वो आदमी प्लीड कर सकता है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको आजाद कर दिया जाए, उसका किसी भी क्राइम से कोई लेना देना नहीं है. अगर अथॉरिटी संतुष्ट होती है, मान लेती है उसकी बात, देन ही कैन बी रिलीज्ड. डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द एडवाइजरी बॉडी इफ द पर्सन हैज टू बी कैप्ट इन डिटेंशन फॉर 3 मंथ्स. इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर 3 महीने से ज्यादा अगर कोई आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है देन दैट विल शुड बी अप्रूव्ड बाय द एडवाइजरी बॉडी द मेंबर्स ऑफ व्हिच विल ओनली बी judges of high court. अब डिटेंशन और अरेस्ट के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है. पहली बात तो हम ये देखें, नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा है कि द पावर ऑफ अरेस्ट इज द मेन रीजन फॉर करप्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट. जो पुलिस ऑफिसर्स के पास अरेस्ट करने की जो पावर है वो सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का पुलिस डिपार्टमेंट. तो अब इस चीज को कम कैसे किया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने डी के बसु गाइडलाइंस में ये कहा, कुछ गाइडलाइंस उन लोगों ने डिफाइन कर दी कि जब तुम किसी आदमी को अरेस्ट करोगे तो दिस प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड और ये चीजें होनी चाहिए. पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है 12 घंटे के अंदर अंदर उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जानी चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई किसको अरेस्ट किया है. ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ के और जेल में रखा और किसी को बताया नहीं और वो वहां जेल में ही बैठा हुआ है. उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जानी चाहिए और जैसे ही उसको अरेस्ट किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए जाने चाहिए. जब वो आए उसकी एंट्री हो, उसका नाम लिखा जाए, उसका पता लिखा जाए, कहाँ किस चार्जेस पे उसको अरेस्ट किया गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होने चाहिए. दूसरी चीज इंस्पेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए, जो पुलिस की जनरल डायरी है उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए. उस आदमी की मेडिकल और लीगल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि जब उस आदमी को अरेस्ट किया गया तो उस आदमी की मेडिकल हालात क्या थे, वो रिकॉर्ड होने चाहिए. अगर अरेस्ट के टाइम पे उसके मेडिकल रिपोर्ट्स बन जाती हैं तो उसके बाद उसको टॉर्चर करने का स्कोप कम हो जाता है, क्योंकि जब
कोर्ट में अगले दिन पूछा जाएगा कि जब ये आदमी अरेस्ट किया गया था तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये थी, लेकिन जब आप तुम उसको या प्रस्तुत कर रहे हो कोर्ट में तो उसका हाथ टूटा हुआ है या उसके शरीर पे जो भी चीजें दिख रही हैं कि उसको किसने पीटा है पीटा है, तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, किसने उसको टॉर्चर किया, तो उस टाइम पर जज ये सवाल पूछ सकता है। तो किसी इंसान की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है। दूसरी चीज, जैसे ही उसको अरेस्ट किया जाए तो उसके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को खबर पहुंचाना इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो उसके लिए लॉयर हायर कौन करेगा। उसके पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सेस भी तो होनी चाहिए, वो तो इंसान बैठा हुआ है जेल के अंदर, तो उसके लिए हायर कौन करेगा, वकील, उसके दोस्त या उसके करीबी रिश्तेदार। तो इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की हैं ताकि किसी आदमी के ऊपर अत्याचार अननेसेसरीली ना हो। लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट आर्टिकल 23 हैज टू से। आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड, आई एम रियली सॉरी, दिस इज एंड फोर्स लेबर। देखिए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आर टुगेदर कॉल्ड आर्टिकल्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली ये किसी भी इंसान को एक्सप्लॉयट होने से बचाते हैं, उसका नाजायज फायदा अगर लोग ना उठा पाए उस चीज का ध्यान रखते हैं। तो आर्टिकल 23 हमको क्या क्या देता है। आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज अगेंस्ट सिटीजन्स एंड द स्टेट, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एज वेल। बेसिकली ये जो आर्टिकल दिया गया है वो प्राइवेट जो लोग हैं, लोगों के खिलाफ तो है ही है और सरकार के खिलाफ दोनों ही है। यानी इस आर्टिकल के तहत कोई भी आदमी या कोई भी सरकार किसी भी इंसान को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती, उसका मिसयूज नहीं कर सकती। अब एक्सप्लॉयट और मिसयूज कैसे हो सकता है। फोर्स लेबर, जिसको हम बोलते हैं बेगार, किसी आदमी को काम करने के लिए मजबूर करना और उस काम के लिए फिर उसको पैसे भी ना देना, उसको हम बोलते हैं बेगार। तो इस आर्टिकल के तहत तुम किसी भी इंसान को उसकी विल के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट में फोर्स द सिटीजन्स टू प्रोवाइड कंपल्सरी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज, ETC ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और एनी इमरजेंसी। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये अलाउड है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ गई या किसी किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उस दशा में हम अपने नागरिकों को मजबूर कर सकते हैं कुछ इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आर्मी में। तो दीज आर टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 23। आर्टिकल 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 23 हैज नॉट बीन आस्क्ड दैट ऑफ्टन, सो यू कैन इग्नोर इट फॉर द टाइम बींग। सो दिस वीडियो इज ओवर नाउ एंड वी विश यू गुड लक, वी विश यू गुड हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे इन योर होम्स, गुड डे।